दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी डीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए एक बड़ी और अच्छी अपडेट के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए डीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर और बीएड बनाम बीटीसी केस के बारे में, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी अपडेट के बारे में, साथ ही अगर बात की जाए 5 मई से विशेष डीएलएड को लेकर भी एक अपडेट आप सभी को दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर इंतजार कर रहे थे, ऐसे में उन सभी के लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी वाली अपडेट देखने के लिए मिली है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में। क्योंकि जब से टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, तभी से अभ्यर्थी किसी न किसी बात को लेकर टीजीटी पीजीटी के लिए परेशान है। चाहे अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में या फिर टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर, लेकिन ऐसे में इन सभी छात्रों के लिए एक बड़ी अच्छी और खुशखबरी वाली अपडेट है आपके एग्जाम के लिए। क्योंकि हर अभ्यर्थी चाहता है कि जितनी जल्दी परीक्षा होगी उतना फ़ायदेमंद साबित होगा, और जितना समय लगेगा उतना ही कहीं ना कहीं छात्रों का जो प्रिपरेशन है वो डीमोटिवेशन में बदलता जाएगा। क्योंकि भर्ती एक साल के अंदर पूरी होनी चाहिए, लेकिन या तो एग्ज़ाम को ही एक साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। अगर बात की जाए अपडेट के बारे में, तो अपडेट ये है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती की परीक्षा करवाए जाने को लेकर शासन स्तर पर अब कहीं ना कहीं हलचलें शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि हाल ही में हाईकोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश के बाद से टीजीटी पीजीटी भर्ती, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से जो आदेश दिया गया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि जब तक आपके पास में नई संस्था नहीं बन जाती, तब तक पुराने आयोगों के माध्यम से भर्तियों को करवाया जाए। आज सुबह के समाचार पत्रों में लिखा भी हुआ है कि टीजीटी पीजीटी या फिर अगर बात की जाए पुराने आयोगों के माध्यम से भर्तियों को कराए जाने को लेकर यहाँ पे शासन से संकेत भी मिले हैं। अब ऐसे में शासन स्तर पर इस मुद्दे को लेकर विचार किया जा रहा है कि जो भर्तियाँ पहले से निकली हुई हैं या फिर लंबित हैं, जैसे कि टीजीटी पीजीटी की पुरानी भर्तियाँ, साथ ही साथ अगर बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी 2022, इन भर्तियों को करने के लिए शासन के माध्यम से एक बड़ी अपडेट आप सभी को मिल सकती है। और इसकी जानकारी अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से दी भी गई है। लिखा हुआ है कि शिक्षक बनने का सपना देख रहे 14 लाख अभ्यर्थियों की उम्मीदें बढ़ी हैं, और इसकी बढ़ने की वजह हाईकोर्ट के माध्यम से दिया गया आदेश। क्योंकि हाईकोर्ट के माध्यम से हाल ही में कहा गया है कि लंबित भर्तियों को लेकर जो भी प्रोसेस हैं वो पुराने आयोगों के माध्यम से शुरू किए जाएं। जैसा कि आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की लंबित भर्तियों पर चिंता जताकर नौकरियों का इंतजार करे अभ्यर्थियों की कहीं न कहीं उम्मीदें बढ़ा दी हैं। हालात ये हैं कि प्रदेश के शिक्षक बनने का सपना सजोए बैठे करीब 14 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से निकाली गई 5000 पदों की भर्ती, पिछले साल इसके लिए आवेदन लिए गए थे, लेकिन दोनों के लिए परीक्षा अभी तक नहीं हुई थी। सरकार नए शिक्षा सेवा आयोग को बनाने के चक्कर में इस आयोग को पूरे तरीके से भंग कर चुकी थी, लेकिन अब हाईकोर्ट के माध्यम से आए आदेश के बाद से शासन स्तर पर इसको लेकर विचार जारी है कि जो भर्तियां पहले से लंबित हैं और जब तक नया आयोग नहीं बन जाता तो क्यों ना इन भर्तियों को पूरा करा दिया जाए। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे देखने के लिए मिलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी की भर्ती, जिसके लिए आवेदन 2022 में लिए गए थे। 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन भी किए हैं। तो ऐसे में उन सभी छात्रों के लिए अच्छी और बड़ी अपडेट ये है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर जो अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि भाई नया आयोग बनेगा तो परीक्षा में और ज़्यादा समय लगेगा, अब उनकी एक उम्मीदें बढ़ गई हैं कि जैसे ही अगर आयोग के माध्यम से, मतलब कि पुराने आयोगों के माध्यम से परीक्षाएँ होती हैं, तो इन छात्रों को इसी साल नौकरी मिल सकती है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा आयोग के बाद परीक्षा होगी तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा। आप क्या चाहते हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में। कौन ऐसा अभ्यर्थी होगा, चाहे वो बीएड हो, बीटीसी हो, या फिर इसके अलावा अगर बात की जाए भर्ती संस्था या कोई भी राज्य सरकार, वो बीएड बनाम बीटीसी को लेकर इंतजार नहीं कर रहा होगा। ऐसे में अगर बात की जाए बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बारे में, एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली है।
क्योंकि 22 जनवरी 2023 को इस ऑर्डर को रिजर्व किया गया था। जनवरी के बाद से मई का महीना शुरू हो चुका है और धीरे धीरे करके 4 महीने होते जा रहे हैं इस ऑर्डर को। अब अगर बात की जाए इस ऑर्डर के बारे में कब तक आपको देखने के लिए मिलेगा, तो उसके लिए आप सभी को जाना होगा सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पे आप सभी के सामने परीक्षा कैलेंडर, माफ़ कीजिए, आपका जो कैलेंडर है वो देखने के लिए मिलेगा। इस कैलेंडर को बताने की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी है क्योंकि यहाँ पे आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। अगर बात की जाए मई महीने के अंदर, तो आप जानते हैं कि आज 8 तारीख हो चुकी है और 8 तारीख तक आपका ऑर्डर जारी नहीं हुआ है। अगर हम बात करें ऑर्डर के बारे में, तो 9 तारीख तक भी आपका ऑर्डर जारी नहीं होगा। हम अगर देखें कि भाई 10, 11, 12, 13, फिर इसके बाद में आपके सामने 20 तारीख तक यहाँ पर डेज देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब वर्किंग डे कितने बाकी हैं, तो उसका आंसर होगा सिर्फ 8 वर्किंग डे बाकी हैं। अगर हम 9 तारीख के दिन को छोड़ दें तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा 10, 11, 12, इसके अलावा 15, 16, 17, 18 और 19, मतलब सिर्फ और सिर्फ 8 वर्किंग डेज आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जारी होता है तो इन्हीं 8 वर्किंग डेज के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि 10 तारीख से लेकर 19 तारीख के बीच बीच में आपका ऑर्डर आ सकता है। अगर इनके बीच में भी आपका ऑर्डर नहीं आया तो आपको और ज़्यादा इंतज़ार करना होगा। उसकी वजह है, जैसा कि आपको नीचे देखने के लिए मिलता है रेड, इसका रेड होने की वजह है समर हॉलीडे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगभग 1.5 महीने की छुट्टियां लगने वाली हैं। और 1.5 महीने की जब छुट्टियां लगेंगी तो निश्चित तौर पे बीएड बनाम बीटीसी के लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा कि जून महीने के अंदर तो ये ऑर्डर आएगा नहीं। फिर उसके बाद में यहाँ पे अगर बात की जाए 20 तारीख से कोर्ट पूरे तरीके से बंद हो जाएगी, सिर्फ कुछ ही स्पेशल बेंच चलती हैं जो कि किसी अर्जेंट मामले के लिए रखी जाती हैं। ऑर्डर सुनाने के लिए आपको वर्किंग डे का इंतज़ार करना पड़ेगा और इसके बाद में जो वर्किंग डे हैं वो 3, 4, 5, 6 जुलाई आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे में बीएड बनाम बीटीसी को लेकर आने वाले 8 या 9 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर ऑर्डर जारी होता है तो इन्हीं दिनों में जारी होगा, अदरवाइज फिर 1.5 महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगा समर हॉलीडेज की वजह से। बात कर लेते हैं प्राइमरी से विशेष डीलेड के बारे में। तो भारतीय पुनर्वास परिषद के माध्यम से जारी किए गए अपने आदेश में और हाल ही में हुई बैठक के अंदर निर्णय लिया गया है कि प्राइमरी टीचर वैकेंसी के लिए आने वाले समय में कुछ बदलाव किए जाएं, जिसके अंदर उन्होंने प्राइमरी टीचर से जो विशेष डीलेड देखने के लिए मिलता है उसको बंद करने का फैसला लिया है और उसकी जगह पर आपको बीएड देखने के लिए मिलेगा। 2 तरह का बीएड होगा, एक होगा बीएड जो कि विशेष की जगह ले लेगा और दूसरा बीएड होगा आईटीईबी के माध्यम से होने वाला 4 ईयर बीएड इंटीग्रेटेड डिग्री, जिसके संबंध में हाल ही में भारतीय पुनर्वास परिषद के माध्यम से बैठक देखने के लिए मिली थी और इस बैठक के अंदर इस डिप्लोमा को क्लोज करने का फैसला लिया गया है। अब जो आगे स्पेशल डीलेड देखने के लिए मिलता है वो कंटिन्यू नहीं किया जाएगा 2024 और 2025 से, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। बात कर लेते हैं बीडीओ री एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड के बारे में। काफ़ी अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि बीडीओ री एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों के मन में सवाल ये है कि हम परीक्षा के अंदर बैठेंगे कि नहीं। अगर आप नहीं बैठेंगे तो क्यों नहीं, मैं आपको बता दूंगा। असल में बीडीओ री एग्ज़ाम के अंदर वो सभी अभ्यर्थी बैठ सकते हैं जिन्होंने आवेदन किया था, लेकिन वो अभ्यर्थी नहीं बैठ सकते जिनके फॉर्म निरस्त हो गए हैं किसी कारण की वजह से। क्योंकि जब परीक्षा के लिए आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं तो उस समय पे कई ऐसी गलतियां देखने के लिए मिलती हैं जिसके अंदर या तो आपके नंबर नहीं होते या फोटोज़ नहीं होते या आपने कोई गलती की होती है जिसके चलते आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में जिन अभ्यर्थियों के फॉर्म निरस्त किए गए थे किसी कारण की वजह से, सिर्फ उन सभी अभ्यर्थियों को छोड़कर बाकी सभी अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे। अगर बात की जाए एडमिट कार्ड के बारे में, तो आपके जो एडमिट कार्ड जारी होंगे वो आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे लगभग 10 जून के आसपास। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के माध्यम से बताया गया है कि 10 जून के आसपास सभी अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, जिससे कि जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।